दादी अपनी लकड़ी के साथ रेडी है। दादी चले जाएगा तो लगेगा पर। हाउ ब्यूटीफुल। थक गए कि नहीं? हाँ थके तो है भाई। अब Check the mic and make sure it sound right, boys. ये है किन्नौर। Hi everyone, good morning and welcome back to मीनाक्षी शर्मा व्लॉग्स। तो अभी मैं देख रही हूँ आपकी ना, मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि मैं और मेरी फैमिली आज जा रहे हैं घूमने। हम एक मंदिर जा रहे हैं, हमारे कुल देवता का ही जो मंदिर है, और साथ में वहाँ पे एक ट्रैक भी है, साथ में हम ट्रैकिंग भी करेंगे। मैं, मम्मी पापा, दीदी और दादी का स्पिरिट देखो, दादी भी बोल रही मैंने भी जाना है। चलने को वहाँ पे बहुत है, शायद 2 आवर्स लगते हैं चलने के लिए, लेकिन दादी तो बोल रही है मुझे भी जाना है। हम लेकर जा रहे हैं, दादी को भी स्लो स्लो चलेंगे। मैं अभी इस व्लॉग को करती हूँ, अभी सुबह के 11 बज गए, अभी मैं 11 बजे शुरू कर रही हूँ, जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ क्योंकि हम जाने लगे हैं, सारे रेडी हो चुके हैं। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, बाय। सबसे पहले कौन पैदल चलने वाला है? पुन्नु बिल्कुल रेडी हो गई है, दीदी भी रेडी हो गई है। हम अपनी गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, गाड़ी करके जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा रास्ता खराब है, इसलिए ये गाड़ी वाले भैया। मम्मा भी आ गए, दादी अपनी लकड़ी के साथ रेडी है। दादी चले जाएगा तो लगेगा पर। चलो चलो बैठो, ये देखो परे दीदी चली गई। मम्मी देखो मोर, कितने सुंदर है यार। हम एक शॉप में गए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम स्नैक्स लेंगे। इतना सफर कुछ ले लिया है खाने को, दादी को एनर्जी भी तो चाहिए। कितना डेंस फॉरेस्ट है साइड में ही, इधर यहाँ तक रोड है, देखो यहाँ पे रोड खत्म हो जाता है। ये देखो कुकु बिल्कुल रेडी है, या दादी का स्पिरिट देखो सबसे पहली बात। अब यहाँ से दादी इतना चलना पड़ेगा ना, पहले दादी गई है मतलब, लेकिन अब तो दादी मतलब एज काफी है, 80+ है मेरी दादी, पर फिर भी बोल रहे मैंने जाना है जाना है। दादी को पापा ने, मम्मी ने, पापा ने मना भी किया कि बहुत ज्यादा है चलने के लिए, फिर भी दादी मानी नहीं। बस यहाँ पे हमारी गाड़ी रुक चुकी है, यहाँ से अब हमारा ट्रैक शुरू होता है। जल्दी क्या, माय गॉड, मम्मी ने जियाना को उठाया, फिर भी मम्मा सबसे आगे है। और रास्ते देखो कितने गंदे है, इतने पथरीले। दादी देखो जिसको तुम सबसे बोल रहे थे ना मम्मी, और सबसे पीछे है दीदी। अब मम्मी की कुकु उठा के थोड़ी बस हो गई है, अब शायद दीदी उठा रही है। चलने का तो चलो अलग है, बट चलना तो पड़ेगा ही, लेकिन जो रास्ते है ना वो बहुत ज्यादा पथरीले है, और ऊपर बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। ये देखो जो ऐसी पहाड़ी जा रही है ना, जो ऊपर इसमें रास्ते, यहाँ पे ना हर जगह पाइन ट्रीज है, लंबे लंबे ये चील के जो पेड़ है ना, पाइन ट्रीज यहाँ पे इसलिए क्योंकि जो ये जगह है यहाँ पे हमेशा ठंड रहती है, हाइट में बहुत ज्यादा, तो जहाँ पे ज्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे पाइन ट्रीज होते हैं। ओह माय गॉड, बेबी कैरियर कहाँ इसका? घर में ही भूल गए। पन्नू का न्यू स्टाइल, मम्मी ने इसको पीठ में बांध दिया है, मम्मी थक गई है इसको चला चला के। सबसे पीछे दीदी है, फिर मैं हूँ, मम्मी है, पापा है, सबसे आगे दादी है। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, कितनी ज्यादा हाइट है। दीदी बहुत ज्यादा मोटा जैकेट पहन के आई थी। वैसे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, लेकिन अभी हम चल रहे हैं ना चढ़ाई में तो हमारे को गर्मी लग रही है। अभी देख रहा हूँ ऊपर मंदिर है ना, जो इतना ज्यादा सुंदर है ना, बस मैं चाहती हूँ एक बार हम पहुंच जाए। इन पहाड़ों में चलना पड़ेगा, 2-3 पहाड़ के बाद मंदिर आता है। ये देखो भाई रास्ते, हे भगवान। अब दादी तीसरे नंबर पे आ गई है, पापा सबसे आगे चले गए, मम्मा, फिर मैं, लेकिन एक इंसान जब से हम घर से निकले हैं वो हमेशा ये लास्ट में है, वो है दीदी। तो अब थोड़ी थोड़ी हम हाइट में ज्यादा पहुंच रहे, तो हमें ठंड भी लग रही है और थकान भी हो रही है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो बड़े हो गए ना वहाँ पे ना गांव भी है, मतलब लोगों के घर भी है वहाँ पे। ये जो रास्ते है ना देखो, इतनी ऊंची चढ़ाई में यहाँ पे ना उनके ना पास ना खच्चर होती है, और यहाँ से खच्चर मतलब जो मेन रोड है नीचे, जैसे कोई घर का काम होगा या फिर कोई सामान ढोना हो, खच्चर भी जाती है इस रोड से। चुप ऊपर आ जा, इसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है, ठंड लग रही है। आई कांट वॉक एनीमोर, आराम से है, कोई बात नहीं। दीदी मैं तो सोच रही खच्चरे कैसे सामान ढोती है यार, हमारे पैदल नहीं चले जा रहा, ऐसे रास्ते पे खच्चरे सामान ढोती है। ये देखो कितना, हम ना मतलब जो ये पहाड़ी है ना, इससे पीछे वाली पहाड़ी से भी पैदल आ रहे हैं, इतना दूर से आ रहे हैं हम। जो बड़े योगी देखता है वो हमारे कुल देवता है, तो मैं 2 साल पहले भी आई थी लॉकडाउन के टाइम पे, आते रहते यहाँ पे। दीदी तू कब आई थी? 4-5 साल पहले। हाँ, और जो देव बड़ेगी है ना वो है द्रोणाचार्य थे ना, जो कौरव और पांडवों के गुरु,
वो है देवबड़ेगी। ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं पापा से पूछ के बताऊंगी देवबड़ेगी के बारे में। पापा भी बहुत आगे चल रहे हैं। सोच रही हूँ ना, हाँ, इधर के लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं यार, उनको आदत है ना। है वो, मैं वही सोच रही हूँ यार, ऐसे रोड में खचरे चल कैसे सकती है, और वो भी इतना बोझा उठा के। और जो वो मतलब जिनका यहाँ पे गांव है वो भी कैसे सरवाइव करते हैं, रोड नहीं है, कुछ भी खत्म होता है, घर बनते हैं लोगों के, इतना सारा सामान ऐसे ऐसे रास्तों पे ढोक कर जाते हैं। ओह माय गॉड, वो जो पहाड़ी है ना, ये जो चोटी है उस पे है मंदिर, उसके थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है। स्टिक लानी चाहिए थी। ये देखो यहाँ पे और पहुंचना है हमें, जहाँ पे अभी हम आए हैं ना, जहाँ पे हम मतलब गाड़ी रुकी थी और हम वहाँ से पैदल आए, वो तो अब मतलब काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे रोड खुला है। पहले हम घर से इतना पैदल चल के आते थे, कोई जब रोड नहीं होते थे, जब हम बहुत छोटे छोटे थे तब हम इतने दूर पैदल चल के आते थे। रोड तो अभी बहुत बाद ये ओपन हुआ है, अभी वहाँ तक पहुँचा है, आई थिंक मंदिर तक भी अब बनेगा रोड। इतना दूर से वो एंड की पहाड़ी है जो वहाँ से चल के आते थे, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऊपर को रास्ते थे, बहुत ज्यादा चढ़ाई थी। मम्मी और कुकू बैठ गए हैं, पापा देखो सबसे आगे पहुंच गए, बैठ रहे हैं थोड़ी देर यहाँ पे। दादी पानी पी रही है, दीदी अपना चश्मा लगा रही है। ये है मेरा 150 रुपए वाला चश्मा जो मैंने पिछले मतलब 2-3 व्लॉग पहले लिया था एलांटे से। मेरा 1.5 हजार वाला चश्मा जो मैंने सेंट्रल मॉल से अच्छा जी बाय किया था। दादी का चश्मा तुम भूलिए, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, बाकी सबने खाया, मैंने और मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया। मैं तो खाकर आई थी, आई एम सॉरी भगवान, पर मैं ना भूखे पेट बिल्कुल नहीं चल सकती। मैंने पहले ही बताया था मुझे बेड पे भूख लग जाती है, और अगर मैं भूखे पेट आती तो मैं बिल्कुल चल ना पाती। तो ये बात भगवान को भी पता ही है कि उनके भक्त मतलब श्रद्धा होनी चाहिए दिल में। भूखे पेट आए खाली या फिर खाना खा के आए, ये मैटर नहीं करता। मैं और दीदी सबसे पीछे है, बाकी सारे सबसे आगे हैं। अब सिर्फ आधे घंटे का रास्ता रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम टॉप पे पहुंच रहे हैं वैसे वैसे रास्ता ज्यादा भयानक हो रहा है। दीदी मेरे को धक्के दे रही है पीछे से। मैं धक्के दे रही हूँ, मैं पकड़ रही हूँ। ओह गॉड, अब हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर मंदिर बस दिखाई दे रहा है। एक बार याद है, एक बार पैदल चल रहे थे और ऐसी चढ़ाई में मैं थी, पॉकेट पकड़ी थी पॉकेट मेरे हाथ में, हाँ ऐसे ऐसे कारनामे करती है। और पहाड़ी पे पत्थर ही पत्थर है बस, बिल्कुल सीधा रोड आ नहीं रहा है। यहाँ पे सड़क बनना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट जहाँ पे सड़क नहीं भी होती है ना वहाँ पे भी जाने का एक अपना अलग ही मजा होता है। मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ क्योंकि अब मैं सबसे पीछे हूँ, दीदी भी मुझसे आगे निकल गई है। अब बस हमारा 15-20 मिनट्स का रास्ता रहता है। मम्मी पापा दादी भी बगैर बैठ गए, मैंने और पापा दोनों ने ट्यूनिंग किया था, उन्होंने ब्लैक ब्लैक पहना है। क्या क्या ये जंगली जानवरों के लिए पानी पीने के लिए तालाब जैसा सूखा हुआ है। अच्छा ये वाला है ना, अभी सूख चुका है, आपको दिख भी रहा होगा कि मतलब यहाँ पे सूखा हुआ पानी। अच्छा अच्छा, जैसे बारिश होती है ना तो ये पानी भर जाता है, ये पूरा ना एक टैंक टाइप बन जाता है, और यहाँ पे ये जंगली जानवर आते हैं ना जो, उनके लिए पानी है। जैसे यहाँ पे खच्चरे घोड़े वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं तो यहाँ पे वो पानी पीते हैं। वाह कितनी अच्छी चीज बनाई हुई है, यहाँ पे शेर चीता ये सब कुछ जंगली जानवर भी पाए जाते हैं क्योंकि आसपास काफी डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे। तो अभी हमें बस 15-20 मिनट लगेंगे अब मंदिर पहुंचने के लिए, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और कुछ खाएंगे मतलब फ्रूट्स वगैरह। अभी हमारा थोड़ा खाने का ब्रेक हो गया है, अभी हम फिर से चल रहे हैं। जितना मम्मी तो बोल रहे हैं, मेरे को लगा कि 15-20 मिनट का ही रास्ता है अभी क्योंकि देखने में ना थोड़ा नज़दीक लग रहा है, लेकिन पहाड़ी है तो मम्मी बोल रही है अभी जितना हम चले हैं उतना भी और चलना है। पर दीदी की कड़ी तपस्या तो देखो, इसने कुछ नहीं खाया। दीदी तू इतनी तपस्या क्यों कर रही है? हाउ ब्यूटीफुल, यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना, आई डोंट नो आपको आवाज आ रही है कि नहीं। मैं और दादी सबसे आगे इस टाइम। दादी थक गए कि नहीं? हाँ थके तो है भाई, अब तो थक गए। दादी मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि आप 82 है ना, 80 से अब आपकी एज है ना, 80 से ऊपर है ना आपकी एज? 80, 85, 84 गाइस थोड़ा बैठती हूँ। दादी 84 ईयर के हैं, फिर भी इतना ज्यादा स्पिरिट रखते हैं कि मेरे को भी चलना है। दादी बोल रही है कि मेरे को भी कुल देवता जो हमारे हैं देवबड़े के भगवान, मुझे भी उनका आशीर्वाद लेना है। दादी आशीर्वाद लेने हैं आप? हाँ।
आशीर्वाद। तो जब हाँ तो दादी बोल रही है कि ना मेरे को ऑटोमेटिकली इतना थकान नहीं हो रही है कि चलने का ऐसा हो रहा है कि हाँ मेरे को मंदिर जाना है मंदिर जाना है, तो दादी थक नहीं रही। देवड़ी की शक्ति से चल रही। हाँ देवड़ी की इतनी शक्ति है कि दादी को उन्होंने इतनी शक्ति दी भाई दादी ने यहाँ पे चलने का पहले तो प्लान बनाया, पहले तो मना ही कर रहे थे, फिर दादी ने रात को बोला कि मेरे को भी आना है और अभी दादी इतनी ज्यादा थक भी नहीं रही है देवड़ी की शक्ति से, है ना दादी। और कुछ बोलना चाहते हो दादी आप? और क्या बोलना, कितनी बार आए आप? पहली बार आए। नहीं इधर से आए थे? हाँ इस रास्ते से पहली बार आए। एक बार भी पार्टी साइड से। हाँ पहले मतलब जो मैं आपको बता रही थी कि जब यहाँ पे सड़क नहीं होती थी इस साइड हम पैदल चल के आते थे, तो वहाँ पे दादी आए चलते। मैं तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैं जब 84 ईयर की होंगी कि मैं ऐसे रास्तों से चल सकती हूँ, पर मेरी दादी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेरी दादी चल सकती है। देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, इतना सुंदर लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से कि हम वापस जाएं। बस अब थोड़ा सा रहता है मंदिर, अब इस पहाड़ी से पीछे वाली साइड एक और पहाड़ी है, फिर उसके बाद हम मंदिर पहुंच जाएंगे। पर मुझे भी मतलब आज पहली बार जब हम पिछली बार आई थी मैं बहुत ज्यादा थक रही थी यहाँ पे, जो देवदेव की है वहाँ पे आने के हमारे आज दो रीजन थे। एक तो ये था कि दीदी भी आई थी और दूसरा ये रीजन था कि मेरे पापा को जब कोरोना हुआ था बहुत ज्यादा, जब कोरोना का पीरियड चल रहा था तो मेरे पापा को बहुत ज्यादा कोरोना हुआ था, बहुत ज्यादा मतलब पापा एडमिट हुए थे चंडीगढ़ में। पापा एक हफ्ता 2 वीक्स शायद पापा ना एडमिट भी रहे थे, तो उस टाइम ये दीदी की मन्नत थी, दीदी ने मन्नत मांगी थी कि जब पापा ठीक हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम किसी दिन देवड़ी के मंदिर जाएंगे, तो ये भी एक रीजन है कि हम आज यहाँ पे मंदिर आए हैं। हाँ तो दीदी ने कढ़ाई मांगी थी, कढ़ाई का मतलब है कि हलवा बनाकर देवड़ी की भगवान को मतलब प्रसाद के इसमें लेकर जाएंगे, तो वो भी हम घर से बना के लेकर आए। और यहाँ पे इतनी हवा चल रही है ना मतलब मेरे कान भी इतने ज्यादा ठंडे हो रहे हैं। अभी तक मैं और दादी है, सबसे आगे कोई आ नहीं रहा, ये देखो कोई दिख नहीं रहा अभी मुझे, ना पापा ना मम्मा ना दीदी आई नहीं अभी। सो फाइनली हमें थोड़ा थोड़ी आशा दिख गई है कि हम पहुंच जाएंगे टाइम पे, क्योंकि दीदी आ गई है और पीछे से मम्मी पापा भी आ ही गए हैं। पुन्नू सोच रही होगी आज कहाँ पे आ गई। ये है बड़े उग गांव। और अभी ना मेरा पापा के साथ एक डिस्कशन हुआ, तो मैं पापा को बोल रही थी कि पापा जब हम 84 के हो जाएंगे ना मुझे नहीं लगता है कि हम चल पाएंगे। पापा बोलते हैं जब हम जब 60 के हो जाएंगे मुझे तब नहीं लगता है कि हम चल पाएंगे। तो पापा ने बोला कि दादी की एज ना 84 नहीं है। पापा ने थोड़ी कैलकुलेशन की कि दादी के भैया है वो दादी से कितने बड़े थे, तो दादी की एज मुझे पता चली, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या लोग होते थे ना तो उनको अपनी मतलब रियल एज पता भी नहीं होती थी, इतना ज़्यादा किसी को आइडिया नहीं होता था। तो दादी की एज 89 है। गाइस आई एम सो सरप्राइज, दादी 89 की एज में इतनी ज्यादा पैदल चल रही है। हैट्स ऑफ। ये रहा ऊपर मंदिर। बारिश वाला ही? बारिश में ही? बारिश वाला ही? तो ये गंदा नहीं होता था? ओह माय गॉड, यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे पानी अब तो बहुत ही गंदा लग रहा है। सौर बोलते हैं, बोल रहे इसको मम्मा ना, मम्मा ने भी बताया मुझे ये पानी पहले लोग पीते थे यहाँ पे जब पानी नहीं होता था ना। एक तो ये गांव बहुत ही हाइट में बहुत टॉप में, तो यहाँ पे इजीली सब कुछ मिलता भी नहीं होगा, तो ये बारिश का पानी इकट्ठा करके यही पानी पीते थे पहले लोग। अब तो पाइपलाइंस लग गई है, कोई फंक्शन होता है अगर इस गांव में तो ये इन्होंने थोड़ा सा बहुत गाँव के लोगों ने अपने लिए शेड भी बनाया है। मैं तो ये देख देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ, जो आसपास है ना ये इतना सुंदर, मतलब ये इधर सूखा पड़ा है ये भी मेरे को इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना। कुकड़ी, ये कुकड़ी आज कुकू आशीर्वाद लेने देव नानू के पास आ गई है। अब मंदिर के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे ना मतलब जो मंदिर के लिए रसोई भी बनी है, जैसे अगर जैसे जो हम कढ़ाई घर से लेकर आते हैं ना वो कुछ लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि घर से ही लेकर आओ। हमारे को भी लो चेयर चढ़नी है, और यहाँ लिखा है कि मंदिर में जूते ले जाना मना है, इसलिए हम सारे यहीं पे अपने शूज खोल रहे हैं। यहाँ से हम बिल्कुल नंगे पैर जाएंगे। मैंने अपने शूज खोल दिए, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से नंगे पैर, बाकी सारे भी बिल्कुल बेयरफुट है। अभी हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं मंदिर के पास, और अब इसका दिखावा देखो, जब सिर्फ 5 स्टेयर्स बची है ना तो बोल रही है कि चलो अब मैं उठाती हूँ इसे। अभी हमें देखो मंदिर की बेल भी सुनाई दे रही होगी, बस पहुंच चुके हैं मीनाक्षी और पापा कुकू मंदिर के अंदर। मैं मम्मी दादी आ रही हैं, हमारी बहुत ज्यादा बैंड बढ़ चुकी है,
क्योंकि ये बिल्कुल सीधी स्टेज है ऊपर को, तो इसमें तो वैसे ही इंसान खाली भी चलना मुश्किल होता है। तो हमारे पास फिर भी देखो सबके पास एक दो दो बैग है। ओह गॉड, फाइनली रीच्ड। फाइनली हम पहुंच गए हैं। हाँ, बड़े ऊंट की देवता। यहाँ पे नहीं यार इतनी हवा है ना। दादी घंटी बजा दो, घंटी बजा दो। ये हमारे कुल देवता। तो अभी हम सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ इस प्लेस से इसको और डिस्क्राइब करूंगी। हमारी पूजा हो गई है और हमने जो भी प्रसाद लेकर आए थे वो सारा चढ़ा दिया है। मैं अब आपको ना यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, यहाँ से कितनी सारी डिस्ट्रिक्ट है जो वो दिखती है, मैं अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ जो हमारा बिल्कुल लोकल एरिया है, जो सुन्नी तत्तापानी और जो हमारा घर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो ये है ये सुन्नी है और साथ में ये सतलुज रिवर बह रही है। ये जो चोटी आ रही है ये मेरा घर है। जो चोटी के पीछे जो एरिया है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, वो तत्तापानी है। अब मैं दिखाती हूँ आपको शिमला। ये जो चोटियाँ दिख रही है सबसे लास्ट वाली, ये है शिमला। आई डोंट नो ये फोन में दिखेगा कि नहीं, बट यहाँ पे बिल्कुल जो चौड़ा मैदान एरिया है, रिज का है जो एरिया, और जाखू टेम्पल की जो चोटी है, दूरदर्शन जो सारा कुछ यहाँ से दिख रहा है मुझे देख टाई से। यहाँ पे ये देखो ये पोल सा जो दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा शिमला एरिया है। अब मैं आती हूँ इस साइड को। शिमला के बाद ये आता है सोलन एरिया। सोलन में यहाँ पे शाला घाट और दाड़ला घाट, ये जो सारी चोटियाँ हैं यहाँ पे, ये पूरा सोलन एरिया है। और सोलन एरिया के बाद हम आते हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा है बिलासपुर। ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट है जो मुझे देवबड़े की टेम्पल से दिख रही है, वो है बिलासपुर। ये जो ऊंची सी चोटी है ये है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ फोर्थ डिस्ट्रिक्ट। ये जो सारा एरिया है ये सारा शिमला एरिया ये पड़ता है, रामपुर वगैरह ये सारा शिमला में ही आता है। और अब जो ये बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये मतलब फ़ोन में थोड़े थोड़े दिख रहे हैं लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ से सुंदर दिख रहा है। ये है किन्नौर, ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। और किन्नौर के बाद एक और डिस्ट्रिक्ट मुझे दिखाई दे रही है, वो है कुल्लू के सुंदर सुंदर पहाड़। ये जो बर्फीले पहाड़ है ये आता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। मम्मा सबको प्रसाद बांट रहे हैं यहाँ पे। ये छोटी सी पहाड़ी है ना, इस चोटी के पीछे है शिकारी देवी टेम्पल जो कि है मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही। ये देखो ये जो बिल्कुल प्लेन सी है ना ये पहाड़ी, ये है कुल देवी हमारी जो है शिकारी टेम्पल, और ये मंडी में ही पड़ता है। मैं इस टाइम मंडी में ही खड़ी हूँ, लेकिन जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है जो मेन बाजार पड़ता है मंडी, वो है इस पहाड़ी पे। तो देवबड़े के टेम्पल से मुझे दिखाई दे रही है 6 डिस्ट्रिक्ट्स। वाओ, 6 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ से मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है। ये देखो ये सारा एरिया चारों तरफ यहाँ पे मतलब हाँ, ये बहुत सुंदर दिख रहा है, ये पहाड़ बहुत सुंदर दिख रहा है। तो ये रास्ता है जहाँ से मैं आई हूँ, लेकिन मेरी दादी वगैरह ना जो पैदल आए थे वो आए थे यहाँ से, पूरी यहाँ से नीचे से कोई रास्ता होगा वहाँ से आए थे। तो अभी हम यहाँ पे प्रॉपर लंच वगैरह करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट भी करेंगे, गप्पे मारेंगे और फिर हम वापस जाएंगे। हम सारा अपना खाना घर से ही लेकर आए हैं। थोड़ा ऊपर हो तो इसको सिर्फ देवबड़े की गांव है ना, जो रथ है ना उनकी देखभाल करते हैं, पूरा सेवा करते हैं यहाँ पे देवबड़े की देवता की ना, ये जो पुजारी रहते हैं यहाँ पे, मतलब जो ये गांव है वहाँ पे पुजारी रहते हैं यहाँ पे देवबड़ेगी के। यहाँ पे जो कच्चा सा रोड दिख रहा है ये गांव पे भी, यहाँ ये गांव है जो यहाँ पे रथ रहता है, जो ये मंदिर है ना उनका जो देवबड़ेगी का रथ है वो यहाँ पे रहता है। वहाँ पे बड़ी कोठी है देवबड़ेगी की ना, वहाँ पे सोने का जो छत्र वगैरह है वो वहीं पे रहता है। ये एक गाँव है, यहाँ का गाँव का नाम है शौंगी। हाँ, हमारा टिफिन है। पुन्नू को पापा की जैकेट बना दी। तो मम्मा ने सुबह सुबह ही खाना बना दिया था 6 बजे, सब्जी चपाती खीर सैलेड, ये अब हम लंच कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग बैक। हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, अब हम वापस जा रहे हैं। नीचे चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ऊपर को मैं बिल्कुल ठीक चली थी, बस थोड़ा मेरा सांस फूल रहा था, पर नीचे जाने में अच्छा नहीं लग रहा है, चलने के लिए स्टेयर्स चढ़नी पड़ रही है। अभी हमें यहाँ से जाना है पूरा और शाम को हमें वहाँ पहुँचना है। बीच में हमें एक थोड़ा सा
ब्रेक लेंगे चाय का, चाय भी हम घर से लेकर आए हैं। पशु भी चरने को छोड़ दिए लोगों ने यहाँ पे। ये गांव वालों के लिए वाटर टैंक है यहाँ पे, शायद इसी टैंक से यहाँ पे गांव में पानी डिस्ट्रीब्यूट होता होगा। फाइनली हम पहुंच गए हैं गाड़ी में, अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। मम्मी हाउ वाज द ट्रिप? नाइस, वेरी नाइस। दादी अभी तक नहीं आए, पीछे जैसे चल रहे हैं। मैं और मम्मा पहुंच गए हैं और जैसे वो आते हैं फिर हम चलते हैं घर। फाइनली हम घर पहुंच गए। दादी कैसा रहा ट्रिप? बढ़िया रहा बेटा, आया मजा। दादी को उम्मीद नहीं थी कि दादी चल पाएगी, पर हम पहुंच गए। रात होने से पहले पहुंच गए, शाम हो गई 5, आई थिंक 5:30 हो गया। सो इफ यू लाइक माय व्लॉग प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।